नमस्कार दोस्तों, आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं हिकविजन के HVR को, यानी कि जो हाइब्रिड वीडियो रिकॉर्डर है उसको मोबाइल पे कैसे व्यू करना है, कैसे इसको ऑनलाइन करना है, उसके बारे में आज ये वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। पहले तो ये DVR को हम लोग को ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ऑप्शन है नेटवर्क, नेटवर्क पे टिक करना है और ये अनेबल DSCP यहाँ पे टिक करना है और नीचे अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये जैसे मैंने DSCP पे टिक करके नीचे अप्लाई किया तो उसकी IP एड्रेस जो है वो चेंज हो गई। पहले कुछ और थी, अभी 192.168.0.105 ये IP एड्रेस आ गई, यानी कि इसको राउटर से लैंड केबल के थ्रू IP मैप हो चुकी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा प्लेटफॉर्म एक्सेस पे। प्लेटफॉर्म एक्सेस पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सेस टाइप हिक कनेक्ट और नीचे अनेबल करना है उसको, ये टर्म कंडीशन से उसको भी ओके करना है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और नीचे अप्लाई कर दूँगा तो ये स्टेटस अभी इसका यहाँ पे ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन हो जाएगा, यानी कि आपका ये DVR जो है ये ऑनलाइन हो चुका है। इसके पहले आपको ये जो स्ट्रीम इंटरप्शन ये जो की है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है ये वाला, तो जब भी आप ये मोबाइल पे लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम तो ये आपको हर टाइम ये इंस्ट्रक्शन की ये पूछेगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कंपनी का आया रहता है वो शायद कस्टमर्स को याद नहीं रहता है क्योंकि काफ़ी अतरंगी रहता है ये, तो उसको चेंज करके आप खुद का भी इसमें डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ये खुद का वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ, KRIVI1। ठीक है, और उसके नीचे मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे अभी डाल दिया KRIVI1 वेरिफिकेशन कोड और स्टेटस यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका है। तब ये इसकी मोबाइल पे कैसे इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए ये बारकोड जो है वो मुझे स्कैन करना होगा। तो चलिए मोबाइल सेक्शन में चलते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है मोबाइल पे और कैसे स्कैन करके मोबाइल पे ऑनलाइन देखना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये हिक कनेक्ट ऐप है हिकविजन का DVR ऑनलाइन मोबाइल पे देखने के लिए, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। तो जैसे उसको यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मैंने ये पहले अभी अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो मैं अपनी मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, एग्री पे क्लिक करूँगा। ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया, उसको राइट क्लिक करना है, राइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे ईमेल एड्रेस से अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दी और ये पासवर्ड जो है वो डालना है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, आपको ईमेल एड्रेस का पासवर्ड नहीं डालना है, एप्लीकेशन का जो पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ KRIVI@123। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गेट सिक्योरिटी कोड, ये जो कोड है अभी ये मुझे ईमेल एड्रेस पे आएगा जो मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाली हुई थी। ठीक है, पॉपअप आएगा तो हम लोग यहाँ पे उसका आ चुका है, सिक्योरिटी कोड है अभी यहाँ पे 9461। फिनिश। ठीक है, ये अभी मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं सिंपली ऐड डिवाइस पे क्लिक करूँगा, प्लस पे, और ये जो बार कोड है वो स्कैन करूँगा। जैसे मैंने ये बार कोड स्कैन किया, उसके बाद इस पर ऐड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट। DVR का यहाँ पे नाम भी डाल सकते हो, ये नाम कट करके, जैसे ये मैं नाम कट कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ शॉप या KRIVI Tech, सेव। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरे कैमरा मोबाइल पे कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो है वो लाइव व्यू के लिए है। अब यहाँ पे मुझे इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है मोबाइल पे, तो वो कैसे देखेंगे, जो मुझे जिस कैमरा नंबर की रिकॉर्डिंग देखनी है तो उसको जस्ट मुझे पहले एक बार सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं कैमरा नंबर 2 सेलेक्ट कर देता हूँ,
और यहाँ पे ऊपर ऊपर देखेंगे राइट साइड में थ्री डॉट्स है, वहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे आपको लेफ्ट साइड में फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा प्लेबैक, प्लेबैक पे क्लिक करने के बाद ठीक है तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है जिस डे का आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो। अगर आपको डेट चेंज करना है तो सिंपली आपको ये 25/9 जो दिख रहा है आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जो डेट भी चाहिए आपको वो डेट पर सिलेक्ट करना है। जैसे अभी मेरा एक ही दिन का ही इसमें रिकॉर्डिंग दिखा रहा है 25 का, मैंने 25 सेलेक्ट किया और नीचे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये मोबाइल पे यूज़ करते हैं। वापस अगर मुझे लाइव पे जाना है तो यहाँ पे लेफ्ट एरो पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हिकविजन का HVR हाइब्रिड वीडियो रिकॉर्डर मोबाइल पे कैसे व्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।